गुड मॉर्निंग, आज 3 अक्टूबर है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी ये जयपुर सिटी आपके सामने है। हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। कल हमने ट्रेवल किया द्वारका से लेकर के द्वारका गुजरात से लेकर के जयपुर तक, नाइट होल्ड किया और सुबह सुबह चेकअप के लिए आए होटल से। प्लान है कि आज शाम तक हरिद्वार पहुँच जाए। देखिए जयपुर द पिंक सिटी, खूबसूरत बिल्डिंग है, एक ही रंग की सारी की सारी। यहाँ पे सामने लेफ्ट साइड में हवा महल है, ये बिल्कुल रोड पे ही है और लकीली हम इसी रोड से जा रहे हैं। जयपुर बहुत ही खूबसूरत सिटी है और अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो रेनी सीजन के बाद आइए, जब विंटर स्टार्ट होने वाला हो। और यहाँ आपको कम से कम 3 दिन का स्टे करना होगा, तभी आप जयपुर पूरा कवर कर सकते हैं। पूरा जयपुर कवर करने में आपको करीब 3 दिन लग जाएगा और अगर इसके आसपास के विजिटिंग प्लेसेस को भी देखना है तो और एक्स्ट्रा दिन लगेंगे। इसके आसपास भी घूमने के लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी जगहें हैं, जैसे कि भानगढ़ है, करीब 80 किलोमीटर्स पड़ेगा, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। ये सब तो हमने कवर कर लिया है इंक्लूडिंग भानगढ़। बस एक और बहुत ही सुंदर जगह है चांद बावड़ी और मेहरीपुर बालाजी, जो कि करीब यहाँ से 100 किलोमीटर ही है, तो हमने सोचा है कि रिटर्निंग में इन दोनों जगहों को भी कवर करेंगे। वी आर कंटिन्यूड ऑन जयपुर दिल्ली हाईवे, जिस पहाड़ों काट के बनाए हुए रास्ते और कितना खूबसूरत शानदार नजारा है। फ्लाईओवर सामने पार्क का रास्ते बनाए हुए हैं। जयपुर से निकले हुए हमारे करीब 4 घंटे हो गए हैं और इस समय 12:30 हो रहे हैं टाइम। हमने दिल्ली के अंदर से जाकर के रिंग रोड से होके जा रहे हैं ताकि टाइम बचे हमारा। जो दिल्ली के अंदर से आएंगे तो भले ही डिस्टेंस थोड़ा कम हो लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। ये तो सड़कें बहुत अच्छी हैं लेकिन जयपुर टू दिल्ली के बीच में जो बिफोर दिस लिंक रोड जो भी रास्ते मिले बहुत खराब हालत में है, शायद बारिश की वजह से ऐसा हो। गड्ढे हैं कई जगह। हम यूपी में आप पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं रोड्स के ऊपर यहाँ पर किस टाइप के डिवाइडर लगे हुए हैं। ये यूपी की पहचान है। चलिए निकल गया। ये अच्छा, इसमें ड्राइविंग स्किल भी टेस्ट हो जाती है आदमी के साथ साथ में, अपना कैलिबर भी चेक करता रहता है। दिल्ली के आउटस्कर्ट से होते हुए हम बागपत पहुंचे हैं और यहाँ से रुड़की में एक छोटा सा काम है, इसलिए रुड़की होते हुए हम शाम को हरिद्वार पहुंचेंगे। अभी विलेज रोड है तो रिस्ट्रिक्शन है स्पीड लिमिट की और रोड की हालत भी कुछ खास नहीं है। अभी जो आपने
ये ब्रिगेडिंग देखे थे, वो लगता है यूपी गवर्नमेंट ने बॉलीवुड मूवीज को देख के इंस्पायर होके सबक लिया होगा, क्योंकि पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं अक्सर कि विलेन आते हैं, गुंडे आते हैं और बैरिकेडिंग को मार के तोड़ते हुए निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा, यूपी गवर्नमेंट ने, कि चलो ऐसा बैरिकेडिंग लगाते हैं कि अगर गुंडे इसे तोड़ के जाने की कोशिश करें तो भले गाड़ियां उड़ जाएं लेकिन बैरिकेडिंग टस से मस ना हो। और ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ शुगर केन के ही खेत हैं। हरियाणा में हमने देखा कि वहाँ पर धान के खेत थे, तो हर जगह लोग अपने हिसाब से, अपने इकोनॉमिक के हिसाब से, लोकल इंडस्ट्री के हिसाब से खेती करते हैं। अभी एक किसान ही बच चुके हैं और हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव कर रहे हैं। रुड़की यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है और वहाँ से हरिद्वार सुबह अराउंड 50 किलोमीटर पड़ेगा, नॉट 50, अराउंड 20-30 किलोमीटर। जैसे जैसे हम दिल्ली से ऊपर की तरफ, मतलब हरिद्वार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते में चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, ये सब की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इन जगहों पे ऐसा लगता है कि नेचर अभी भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में है, रूप में है, और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। नेचर में अपने आप एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप कितने भी टायर्ड हो, कितनी भी चिंताएं हो, कितने भी सैड हो, ऑफिस का बर्डन हो, काम का बर्डन हो, लेकिन एक बार आप नेचर के पास आते हैं, इसी गोद में आते हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। साइन बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, और ये आपका यूपी का बॉर्डर खत्म और यहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है। उत्तराखंड में हम एंटर कर गए हैं, देख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, साइन बोर्ड लगा हुआ है। लग रहा है कि हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। हरिद्वार में चेक इन करते ही हमसे रहा नहीं गया और हम आप पहुँचे हैं इस घाट पे, जो कि होटल के बिल्कुल सामने ही है। इसका नाम है सतनाम साक्षी घाट, और ये देखिए गंगा जी के किनारे कितने खूबसूरत घाट बने हुए हैं, और ये भारत माता की जो मूर्ति लगी है बहुत सुंदर है। सतनाम साक्षी घाट पे ये भारत माता की मूर्ति, भारत माता की मूर्ति के बाजू में ही एक शौर्य स्मारक बनाया गया है, जो कि इंडियन आर्मी को समर्पित है। तो यहाँ पर गंगा जी के घाटों पे आपको आस्था के साथ साथ देशभक्ति का भी मिश्रण देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में अद्भुत है, और यही खूबसूरती है हमारे भारतीय संस्कृति की। गंगा जी के घाट पे सूर्यास्त का दृश्य देखिए कितना सुंदर है। आज और कल की रात यहीं पर रुकेंगे और परसों सुबह हम निकलेंगे श्री केदारनाथ के लिए। देखिए पावन नगरी हरिद्वार में शाम के समय गंगा जी का सुहावना दृश्य, और वो देखिए उस पार में आरती हो रही है, जिसमें न दिखाई दे,